बज्जो कैसी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। फराज भाई ने दिया ये ड्रेस आपको, बहुत प्यारा लग रहा है कसम से। अरे हाँ, तुम कैसी हो? मुझे छोड़ें, ये बताएं फराज भाई अंदर क्यों नहीं आए? मैंने देख लिया था उनको। हाँ, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। हाँ, वैसे एक बात बोलूं बच्चों, फराज भाई कितना ख्याल रखते हैं ना आपका। हाँ बिल्कुल, वैसा ही इंसान डिजर्व करती है, आपकी शादी उन्हीं से होनी चाहिए थी। बहुत खुश हूं मैं आपके लिए। वो तो है। खैर, अम्मी कहाँ पर है? अम्मी किचन में आप ही का वेट करी, चले। हाँ, चलते। देखे कौन आया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी हो? ठीक हूँ, हमेशा की तरह भोले से रात पे चलती हुई। मुझे पता है तुम आना नहीं चाहती थी, लेकिन अप्पू कहाँ है नमाज पढ़ी है। और कितने दिन तक रहने वाली हैं? ये तो नहीं बताया उन्होंने। मम्मी प्लीज कोशिश करके कल तक उन्हें भेज दें। अगर फराज के घर वालों को या फराज को पता चल गया कि आरिफ भी यहाँ पर है तो। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बू से बात कर लूंगी मैं। मैं नाजा पर रुकना चाहती हूँ तो रुके, लेकिन आरिफ को जाने के लिए कह दूंगी मैं। कह देंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो, और उसे जबरदस्ती भी निकालना पड़ा घर से, तो मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। जीते रहो। आई कैसे हो? फराज लेके आया है? मैं खुद अंदर नहीं लेके आई फराज को, मुझे पता था ये होगा।